मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है, हर रोज है, लेकिन अब रहेगी नहीं क्योंकि आपकी ओसीडी 50 साल की एज में ठीक होने वाली है। ये अपने आप में एक महा रिकॉर्ड है, वो काफी सालों की ओसीडी है और आपकी जो विल पावर ये कहती है कि आप इसको आसानी से रिकवर कर लोगी। ये मेरा अंतर्मन कह रहा है जो कभी झूठ बोलता ही नहीं है, इसलिए आप तो 100% ठीक होकर के ही जाने वाली हो, ये तो होकर ही रहना है। मैं पहले ही कह देता हूं क्योंकि मेरा ये बोलना नहीं है, मैं बोल नहीं सकता या मेरा कोई अहंकार या ईगो नहीं है या मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ये लोगों का एक्सपीरियंस है। वो आकर यहां कहते हैं कि यहां के हमें अलग सा ही फील होता है, जादू जैसा फील होता है, पता नहीं कैसे ठीक हो गए बस। ऐसा ही आपके साथ होगा तो आप निश्चिंत रहें। तो मैं कुछ बातें आपको बताता हूं, कोई बहुत बड़े ज्ञान की बातें नहीं रहेंगी, छोटी छोटी बातें होंगी, नॉर्मल सी बातें होंगी, नॉर्मल बातों में इलाज छुपा हुआ है, ना कोई बहुत बड़े अंग्रेजी के शब्द आएंगे या कोई टर्मिनोलॉजी आएगी या कोई बहुत रॉकेट साइंस, ऐसा नहीं है। ओसीडी का इलाज बहुत सिंपल सा ही है, लेकिन वो सिंपल सा इलाज ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है। भगवत गीता थेरेपी, आप बताइए भगवत गीता के बारे में क्या जानते हैं? कृष्ण जी ने दिया था महाभारत के युद्ध के टाइम पे अर्जुन को, जब वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था कि भाई जो है अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मेन उसका वही है। बाकी तो उन्होंने और भी चीजें समझाई थी। ठीक है, ये भी अच्छा बताया आपने काफी अच्छा। और कुछ जानते हैं कृष्ण और गीता के बारे में? कृष्ण जी के बारे में तो बहुत कहानियां जानते हैं, उनके बारे में तो सारा, गीता के बारे में तो इतना नहीं पता। चलो कृष्ण के बारे में क्या पता है, वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये सच है या झूठ है। वही है कि कृष्ण जी तो जैसे भाई वहां पे जेल में देवकी जी के यहाँ पे पैदा हुए, फिर उनको वहां पे यशोदा जी के यहाँ छोड़ दिया कि भाई जो है कंस का खतरा था, फिर जो है उन्होंने थोड़े बड़े हो गए थे जब 13 साल के थे शायद, तब उन्होंने जो है कंस का वध किया था, और जो है उसके बाद उन्होंने वो वृंदावन छोड़ दिया था, फिर उसके बाद वहीं रहने लगे थे मथुरा में, और बस फिर जैसे बाद में उनका मेनली महाभारत युद्ध के टाइम पे उनका आता है कि महाभारत युद्ध में उनका जो भी मेन उनका रोल था, उन्होंने उनको सही डायरेक्शन दिखाई पांडवों को, महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव लोग कृष्ण जी की वजह से जीत गए क्योंकि सही डायरेक्शन मिलती रही उन्हें, वही सारथी थे उनके। और जो है बस फिर बाद में उन्होंने अपने द्वारका नगरी बसाई थी, फिर वो लोग वहां शिफ्ट हो गए थे क्योंकि यहाँ पे उनको वो जयद्रथ था, कौन था वो तंग करता रहता था, जरासंघ हाँ, तो वो तंग करता था, तो वो लोग अपना द्वारका चले गए थे, फिर उन्होंने वहां पे अपनी नगरी बसा ली थी, वहीं पे रहते थे। नहीं अच्छा पता आपको काफी सटीक नॉलेज है आपके पास नहीं काफी अच्छा। तो गीता के बारे में मैं मूलभूत बातें और बता देता हूं। भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसके ऊपर हिंदुओं का कोई कॉपीराइट भी नहीं है, ये एक मानवता का ग्रंथ है और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कोई ऊपर से ज्ञान उतर, कृष्ण ने वही बताया जो उस सिचुएशन के हिसाब से सही था। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, अपने कर्म से भाग रहा था, जैसे आप अवॉइड करते हो वैसे अर्जुन भी युद्ध को अवॉइड कर रहा था, वही भाग ही रहा था। तो उसको कर्म मार्ग पर लगाने के लिए जो जो कृष्ण ने बताया वो भगवत गीता है। आपके लिए भी कर्म का मार्ग है अब अपना जीवन बेहतरी से जीना, और आप जैसे महाभारत, आपके लिए महाभारत कहाँ है मतलब, जैसे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था हाँ, तो वो 14 मेरा तो मेरे दिमाग में चल रहा है हाँ, सिटी की वजह से। और आपका असली जो कुरुक्षेत्र वो आपका घर है, ठीक है, तो कुरुक्षेत्र का मैदान है आपके लिए, तो वहां पर फतह है हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, उसमें गीता आपका सहयोग करने
वाली है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। हम 700 श्लोकों को एक एक करके पढ़ेंगे तो महीनों लग जाएंगे, इसलिए भगवत गीता को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला भाग है ज्ञान योग, जिसे CBT कहते हैं। लेकिन ज्ञान योग नहीं है, ज्ञान योग 99% लोगों के लिए है ही नहीं, ये ज्ञान रोग बन जाता है। आपकी जो समस्या वो ज्ञान रोग की समस्या है। अगर आपको पोटी के बारे में बताया ही नहीं होता कि ये गंदी होती है, तो क्या आप बीमार होती? मैं बोलूं कि मैं ना अब उसको उतना गंदा नहीं मान रही। मैं उसको जैसे होता है ना, एक पहले क्या था, तो मैं पहले की बोलूं तो मेरे को ऐसे था ना कि अगर आप 10/10 देंगे तो मतलब मैं 10% गंदा मान रही हूँ, हाय 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 क्या हो गया। अब मैं उतनी तैयार हूँ, लग भी जाती है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोज ये अपने आप दिमाग में डालती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब मैं उसको वो 2-3% ही गंदा मान रही हूँ जितना हर बंदा मानता है, लेकिन उस 2-3% पर भी मैं धोखे और निकल तो नहीं रही बाहर। हाँ, लेकिन 2-3% भी है ना, लेकिन पर वो तो हर बंदा मानता है, नहीं तो कोई भी पोटी गलती है, कोई भी धोएगा ही नहीं वो बाहर, वो बताता हूं ऐसे ही आ जाएगा। ये तो मैं सारा प्रोसेस समझाऊंगा कि कुदरत ने धोने के लिए भेजा नहीं है। हाँ, जानवर का धोते हैं। हाँ, लेकिन हमने धोना सीख लिया, ये सीखा कैसे कैसे, ये सारी प्रोसेस समझाऊंगा, बता दूंगा, फिर आपको लगेगा कि पोटी गंदी नहीं है, ये हमारी ट्रेनिंग हो गई, धोना हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, पोटी का इससे गंदगी का कोई लेना देना है नहीं, क्यों नहीं है वो सारा मैं बताऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आपके पास सच्चा नॉलेज आए नहीं, ये ज्ञान रोग बन गया, जो दूसरों ने सिखाया, जो जो बाहर से आपने सीखा वो सारा रोग है। नहीं, वो तो पता है, तुम्हारी बचपन से कुछ कुछ चीजों में हमारी जो ट्रेनिंग हो जाती है वो ट्रेनिंग ही गलत है, वो गड़बड़ करती है बड़े होके, फिर वो सीढ़ी बन जाती है। हाँ, तो ज्ञान रोग, तो इसको ज्ञान योग में बदलेंगे गीता से ही। और दूसरा है कर्म योग, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए कर्म रोग है। आपके लिए हाथ धोना, ये लगे रहना, ये रोग ही तो है। आप जितना कर्म कर रही हो रोग कर रोग वाला ही है। योग कहाँ हुआ? योग तो हुआ कबीर का, मीरा का, जो खिलाड़ी हैं, जो कर्म में डूब जाते हैं, जिसमें ख्याल ही नहीं होता। इस फल का तो ख्याल होता ही नहीं, जहां फल का ख्याल है वो कर्म रोग है। तो आपको तो सफाई की चिंता है, गंदगी से डर है, तो ये कर्म रोग की निशानी है। पर मैं आपको एक चीज बोलूं कि उल्टा जब से OCD हुआ है ना, मेरा घर ज्यादा गंदा है। मेरा घर पहले ज्यादा साफ रहता था, क्योंकि मैं चीजें करती ही नहीं। एक तो फिजिकली मेरे में ताकत नहीं, मैं उतना कर ही नहीं पाती। दूसरा, मैं हर चीज को अवॉइड करती हूँ। तो अगर अब देखा जाए तो मतलब पहले तो मेरा घर चमकता रहता था और मुझे कोई OCD नहीं था। मतलब 2 साल पहले भी मैं लगाओ तो मैंने टॉयलेट भी साफ कर लेती थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। टॉयलेट नहाने से पहले अपना बंदा जाता है, टॉयलेट साफ करता है, नहा लेता है, आ जाता है, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं थी मुझे। लेकिन जो है अब मुझे बैठ के में और उसमें भी चीज की दिक्कत है, मैं कपड़ा संभालती रहती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ, तो OCD की वजह से आया है। हाँ, देखा जाए तो अब आप ज्यादा गंदगी में रह रही हैं। अब गंद वही मतलब कि OCD कहने की बात है कि OCD से तो मेरे को तो फिर साफ साफ साफ, लेकिन मेरा तो ज्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि मैं चीजें साफ ही नहीं कर रही। साफ ही नहीं कर रही। अब हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम वापस आएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है, फिर चमकने लगेगा, हो जाएगा सब कुछ। तो अब तीसरा एक आता है भक्ति योग, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। भक्ति योग के आगे 3 भाग हैं, जिसमें है एक स्वीकार, एक समर्पण और प्रकृति के नियम। इनकी हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम स्वीकार पर आते हैं, ठीक है, स्वीकार से बात शुरू करते हैं। तो इसको याद रखना आपने, नेक्स्ट वीडियो में वो शुरू करते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज।